कल हमने प्रतिभा में ओनम और सूरज का गोला पाठ का रिवीजन किया। आज हम दादाजी की लाठी का रिवीजन करेंगे। दादाजी की इन पाठों में कौन कौन से प्रश्न उत्तर आप याद करें अच्छे से, है ना, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स बीच बीच में से पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज में, अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो दादाजी की लाठी में हमने पढ़ा था, इसकी समरी में बताती हूँ कि दादाजी की लाठी में समीर नाम का एक लड़का होता है जो अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखता था और वह अपने दादाजी के साथ उनके कमरे में ही रहता था, है ना। पहले उसके दादाजी बहुत हट्टे कट्टे मजबूत पहलवानों की तरह हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो दादाजी बहुत दुबले पतले और कमजोर से हो गए थे। रात को उन्हें कई बार उठना पड़ता और उन्हें वॉशरूम जाना होता तो समीर उठता और उन्हें वॉशरूम तक ले जाता, है ना। तो वो अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन उसके मम्मी पापा ने उसका कमरा उसके दादाजी के रूम से उसका सामान हटा के दूसरे कमरे में रख दिया। तो बड़ा दुखी हो गया कि क्यों ऐसा क्यों किया आपने, उसके मम्मी पापा को पूछता है। तो मम्मी उसकी बोलती है कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है दादाजी के कमरे में, तुम रात को भी ठीक से सो भी नहीं पाते हो, इसलिए हमने तुम्हारा कमरा दूसरे कमरे में, तुम्हारा सामान दूसरे कमरे में रख दिया। तो वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, है ना, कि दादाजी बीमार है तो मुझे तो उनके साथ ही रहना चाहिए, अभी उनको जरूरत है हमारी। तो वह बहुत दुखी हो जाता है और फिर उसके दादाजी के पास उसने रात को, उसके दादाजी उठते थे तो वह टार्च और मोमबत्ती और ये सब उस चीजें दादाजी के पास उसने रखी थी जिससे कि उन्हें रात में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो समीर को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि उसके माता पिता उसका कमरा बदल देते हैं, ये बात उससे अच्छी नहीं लगती है। तो वह उसके पापा मम्मी को ये बात का एहसास हो जाता है कि समीर थोड़ा दुखी हो गया है। तो फिर उन्हें भी ऐसा लगता है कि नहीं, समीर सही कर रहा है, समीर अपने दादाजी की बहुत देखभाल करता है, जबकि देखभाल किसे करनी चाहिए, उनके मम्मी पापा को करनी चाहिए, है ना, लेकिन वह समीर कर रहा है। समीर के दादा पापा को इस बात का एहसास हो जाता है, वह अपने आप को धिक्कारते हैं, सोचते हैं कि नहीं, बड़े बुजुर्गों को केवल दवाई की और इनकी खाने के समय पे उसकी जरूरत नहीं होती, उन्हें अपनों का साथ भी चाहिए होता है, प्यार भी चाहिए होता है, है ना। ये नहीं कि उन्हें दो टाइम का खाना दे दिया, उन्हें दवाई दे दी तो बस ठीक है, हो गया हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी हो गई, ऐसा नहीं होता है। उन्हें अपनों का प्यार भी चाहिए होता है और अपनों का साथ भी चाहिए होता है, है ना। ऐसा केवल दवाई और खाने की ही उन्हें जरूरत नहीं होती। तो इस बात का एहसास उन्हें किसने दिलाया, समीर ने दिलाया, है ना, उनके बेटे समीर ने, क्योंकि वह अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखता था और हर वक्त उन्हें जिस किसी चीज की जरूरत होती थी तो वह अपने दादाजी को अवेलेबल कराता था, उन्हें उनके पास रखता था। तो इस बात का एहसास उसके पापा को समीर कराता है। तो इस कहानी में बहुत, मतलब दादाजी की लाठी यानी दादाजी का सहारा कौन था, उनकी लाठी कौन था, समीर था, है ना। समीर हर वक्त उनका पूरा पूरा ख्याल रखता। तो बहुत अच्छी कहानी थी जिसमें हमें क्या संदेश मिला, जिस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि बुजुर्गों को इज्जत, सेवा और प्यार की भी जरूरत होती है, केवल दवाई और खाने की ही जरूरत नहीं होती, उन्हें प्यार की भी जरूरत होती है, अपनों के, अपने परिवार के साथ की भी जरूरत होती है, इज्जत की जरूरत होती है, है ना, उन्हें इन सब चीजों की जरूरत होती है। अगर हम प्यार से उन्हें रखेंगे तो उन्हें किसी तरह की दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, न तो उन्हें किसी भी प्रॉब्लम को उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा यदि उन्हें अपने परिवार का साथ मिलेगा। तो बहुत अच्छी कहानी थी समीर की। तो इसके शब्दार्थ आपको अच्छे से देख लेना है, है ना। सिरहाने, सिर के पास, एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ क्वेश्चन आंसर और सभी, तो आप ध्यान से सुने, तो आपको सुनने से भी क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाते हैं, अगर आप रटे नहीं उनको और मैं बोल रही हूँ वो सुन ले। आपको जरूरी नहीं कि जो हमने कॉपी में लिखा है वही आप रट कर और लिख दें, मैं बोल रही हूँ आप समझ लीजिए आंसर को और फिर अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, भाषा सही होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन भाषा सही, लैंग्वेज सही होनी चाहिए। तो मैं बोलती हूँ आपको आंसर, सभी एक एक का अपन डिस्कस करेंगे आंसर और फिर आप उसे अच्छे से याद करिए। सिरहाने, सिर के पास,
कराह दर्द की आवाज, धिक्कारा निंदा करना, दर्द पीड़ा, उदास दुखी, लापरवाही बेफिक्री, ताजुब हैरानी, परीक्षा इम्तिहान, इम्तिहान यानी क्या होता है अपना एग्जाम, बुजुर्ग बड़े बूढ़े आदमी। अब इसके वाक्य बनाना भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि वाक्य कैसे बनाना है, कोई भी सेंटेंस दे, कोई भी शब्द दिया जाए तो उसका वाक्य बनाना, ये भी एग्जाम में आ सकता है ना। अब सोचिए और बताइए, समीर को दादाजी से बहुत प्यार था, सिद्ध कीजिए। समीर अपने दादाजी का बहुत देखभाल करता था, है ना, और उन्हें उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, उन्हें धुंधला दिखता था, तो वह उन्हें रात को कई बार उठकर उन्हें वॉशरूम की ओर जाना पड़ता था, तो सब लोग ध्यान रखते थे और वह भी दादाजी का पूरा पूरा ध्यान रखता था। और इस बात से तो जब तो रात को दादाजी को उठना होता था तो समीर रात को वह सोचता था कि कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितना ही आलस में गहरी नींद में डूबा हूँ लेकिन आलस नहीं करूंगा, और जब भी दादाजी को उठना है, खटपट की आवाज होगी, जैसे दादाजी उठ जाएंगे तो मैं भी उठूंगा और उन्हें वॉशरूम तक ले जाऊंगा, शौचालय तक ले जाऊंगा। तो इस ऐसी बातों से हमें यह पता चलता है कि समीर अपने दादाजी को बहुत प्यार करता था, वो उनकी बहुत देखभाल करता था। तो आपको कुछ ऐसी बातें लिखनी है इसके उत्तर में जिससे हमें यह पता चले कि समीर अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, ठीक है। जैसे वह उन्हें, वह रात को उठने में आलस नहीं करता था, है ना, वह रात को तुरंत उठ जाता था और कई बार दादाजी को वॉशरूम ले जाता था। तो ये सारी बातें आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आप अपने दादाजी का ख्याल रखते हैं, यदि हाँ तो कैसे ही, तो आप स्वयं लिखेंगे। पापा समीर से आंख मिलाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए, क्योंकि समीर जितना ख्याल उसके दादाजी का रखता था उतना ध्यान समीर के पापा नहीं रख रहे थे, इसलिए उन्हें समीर से वे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। समीर दादाजी को सहारा देकर कहां ले गया, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान। ये राइट वाले प्रश्न और ये ऐसे प्रश्नों को कहीं भी पूछा जा सकता है, सही गलत में, फिल इन दी ब्लैंक्स में, है ना, कहीं भी, तो आपको ध्यान रखना है। समीर दादाजी को सहारा देकर कहां ले गया, शौचालय। दादाजी के सिरहाने क्या रखा रहता था, टॉर्च और मोमबत्ती। प्रश्न उत्तर, समीर क्या देखकर ताज्जुब में पड़ जाता था, समीर यह देखकर ताज्जुब में, इन्हें हैरानी होती थी उसे कि इतने हट्टे कट्टे और ताकतवर थे उसके दादाजी और एकदम कितने दुबले पतले और कमजोर से हो गए थे, है ना, यह देखकर वह ताज्जुब में पड़ जाता था। समीर का बिस्तर गैलरी के पास वाले कमरे में क्यों लगा दिया गया, क्योंकि समीर के माता पिता को लग रहा था कि दादाजी के कमरे में रहकर समीर की नींद और पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है ना, इसलिए उन्होंने समीर का बिस्तर गैलरी के पास वाले कमरे में लगा दिया, है ना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि समीर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, नींद उसकी पूरी नहीं हो पा रही, रात को भी दादाजी उठ जाते हैं, तो इस वजह से उसके मम्मी पापा ने सोचा कि इसकी पढ़ाई और नींद अच्छी हो जाए तो उसका कमरा बदल देते हैं। समीर के पिता खुद को धिक्कारते हुए क्या सोचने लगे, समीर के पिता खुद को धिक्कारते हुए सोचने लगे कि बुजुर्गों को केवल दवाई और खाने की ही नहीं, अपनों के साथ और प्यार की भी जरूरत होती है, है ना, यही सोचने लगे वे कि जब समीर इतनी सेवा कर रहा है उसके दादाजी की, तो उसे देख कर वे यही अपने आप स्वयं को धिक्कार रहे थे और ये सोच रहे थे कि बुजुर्गों को केवल दवाई और खाना ही नहीं, परिवार का साथ और प्यार भी चाहिए होता है। आप अपने दादा दादी के साथ, ये तो पाठ से आगे का है, ये मैंने आपको स्वयं करने के लिए कहा था। इसके बाद भाषा ज्ञान, इसमें लिंग विराम चिन्ह, ये प्रश्न उत्तर मैं इसलिए कराती हूँ भाषा ज्ञान के कि इन्हें भी पूछा जा सकता है ग्रामर में। अब यहाँ पर कई शब्दों के लिंग का पता क्रिया और विशेषण के द्वारा किया जाता है, जैसे पंखा चल रहा है, क्रिया के द्वारा हमने पता किया कि पंखा कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है, पंखा चल रहा है ना, तो हमें पता चल रहा है ना कि यह पुल्लिंग शब्द है। यह लंबी मेज है, लंबी, लंबी शब्द स्त्रीलिंग है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर यह लंबी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है, यह बड़ा कमरा है, पुल्लिंग। यह वह दरवाजा, यह दरवाजा टूट गया, पुल्लिंग। उसकी आंखें काली है, स्त्रीलिंग। मुझसे दवाई गिर गई, स्त्रीलिंग।
ऊपर के दोनों पुल्लिंग है, नीचे के दोनों स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू, पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अभी हम विराम चिन्ह वाला लेसन हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे एग्जाम के बाद एक बार। विराम चिन्ह क्या होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने और पढ़ते समय हमें कहीं ना कहीं रुकना होता है। यदि हम रुकेंगे नहीं, है ना, जहां हमें रुकना है उस शब्द के बाद हम रुकेंगे नहीं, तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, उस वाक्य को हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत सी जगह पर रुकना होता है, विश्राम लेना होता है, है ना, रेस्ट करना होता है, बहुत सारी जगह हमें रेस्ट करना होता है। तो वो जो विराम होता है, वो विश्राम होता है, वहां पर एक चिन्ह लगाया जाता है, वो चिन्ह विराम चिन्ह होते हैं, हमें विश्राम देने के लिए होते हैं कि आप यहाँ रुकिए, वो संकेत करते हैं कि आप यहाँ रुक जाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, है ना। जैसे हमने एक उदाहरण, मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं ले रही हूँ, यही बैठी हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनो कि जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, रुको मत, रुको के बाद हमने कॉमा लगाया, मत जाओ, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, रुको मत जाओ। और यदि मैं कॉमा लगाती हूँ मत के बाद, तो हम क्या पढ़ेंगे उसे, रुको मत जाओ। तो अर्थ बदल गया, पहले वाली सेंटेंस का अर्थ था रुक जाओ, जाओ मत, है ना, रुको मत जाओ, और दूसरे सेंटेंस का अर्थ हो गया रुको मत जाओ, रुकना नहीं है, चले जाना है, है ना। तो दोनों का अर्थ बदल गया केवल एक कॉमा लगाने से, अल्प विराम लगाने से। तो विराम चिन्ह रुकने का संकेत करते हैं कि यहाँ आपको रुकना है, यदि आप नहीं रुके तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा अर्थ बदल जाएगा। तो विराम चिन्ह होते हैं कि हमें वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए कुछ चिन्ह लगाने होते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ते समय, लिखते समय, है ना, हम वाक्य में जो चिन्ह लगाते हैं रुकने के लिए, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह आपकी ग्रामर की बुक में दिए, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ज्यादा प्रयोग में आते हैं वो आपकी किताब में दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ ही विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है, जैसे रुकने के लिए पूर्ण विराम, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, लास्ट में हम जब पूरा कंप्लीट कर देते हैं सेंटेंस तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप, कि अब यहाँ रुकना है, नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। उसके बाद थोड़ी देर, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ी सी देर रुकना है, तो वहां पर अल्प विराम, ना, वहां पर अल्प विराम। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय के भावों की जानकारी देने के लिए विस्मयाधिबोधक, एक्सप्लेनेटरी जो होता है ना आपका इंग्लिश में, वो है ना, विस्मयाधिबोधक चिन्ह। शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह, किसी व्यक्ति के कथन को उसी रूप में लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, ना, ये हिंदी में भी होता है। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमें उनमें सही विराम चिन्ह लगाना है। उन्हें धुंधला दिखने लगा था, बॉक्स बना है वहां पर लगेगा क्या, लगेगा पूर्ण विराम, है ना, यहाँ पहले में पूर्ण विराम। उनके पैरों में दर्द क्यों है, क्यों यानी यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। समीर ने दादाजी से पूछा, क्या बात है दादाजी, यहाँ क्या लगेगा, पूछा के बाद विस्मयाधिबोधक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह, है ना, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और उद्धरण चिन्ह, ठीक है। समीर टॉर्च, एनक और छड़ी लाया, टॉर्च के बाद कॉमा, अल्प विराम। हाय, हाय यानी विस्मयाधिबोधक, विस्मय आश्चर्य, विस्मयाधिबोधक चिन्ह, जो डॉट होता है, एक लाइन और डॉट। दादाजी कितने दुबले पतले हो गए हैं, योजक चिन्ह, दुबले और पतले के बीच में डैश, है ना, और पूर्ण विराम, ये आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीन में दिए गए वाक्य में गलत विराम चिन्हों का प्रयोग हो गया है, आप सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। उसे बड़ी जोरों से नींद आ रही थी, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, वह कुछ समझ नहीं पाया, तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्वेश्चन मार्क, बात तो तुम्हारी सही है, माँ ने कहा, इसमें भी गलत चिन्ह लगे, उन्हें सही करना है, ये आप स्वयं कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं बताना है। अब यहाँ पर जैसे अपने प्यारे दादाजी पर एक अनुच्छेद लिखिए, तो यहाँ पर आप दादाजी पर कुछ वाक्य लिखिए, पांच वाक्य लिखिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, अपने दादाजी पर लिखिए,
है ना, या बुजुर्गों पर लिखिए। तो इस तरह से एक पैराग्राफ या सेंटेंस में आपसे प्रश्न में यह पूछा जा सकता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे जैसे आप चाहें। हमें अपने दादाजी का ख्याल रखना चाहिए, या मेरे दादाजी की उम्र इतनी है, वे अपना काम स्वयं करते हैं, या उन्हें कुछ काम आपको करो, आप उनका कुछ काम आप करते हैं। तो इस तरह से जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आप करते हैं, वो सही से ही उसके अंदर लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आप तो स्वयं करेंगे, मुझे तो पता नहीं आप अपने दादाजी से कैसे व्यवहार करते हैं। जिनके दादाजी नहीं है तो वो नाना जी के बारे में लिखे, नाना जी नहीं है तो किसी भी बुजुर्ग के बारे में, किसी भी बड़े व्यक्ति, घर में जो बड़ा है उसके बारे में वो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ आपका, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, ये इतना ही हमारा आएगा। पत्र में क्या करना है आपको, अब व्याकरण में पत्र के बारे में आप सुन लीजिए। पत्र में दो पत्र अनौपचारिक के दिए गए हैं बुक में। अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र, परीक्षा में सफलता के लिए मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, तो आप ये दोनों कर लेंगे। औपचारिक में अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र, और प्रकाशक को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र, ये दो दिए हैं। और दो मैंने आपको लिखित में से करने के लिए बोला था। पहला, बड़े भाई के विवाह में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, और चौथा, मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, इसमें एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, तो तीन औपचारिक तीन अनौपचारिक, छह पत्र टोटल हो गए। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। पत्र में मैं कभी नहीं बोलती कि एक दो पत्र कर लो और उसमें से कोई एक आ जाएगा, आपको पत्रों की तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अगर आप पत्र की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिक्स में आपको बड़ी परेशानी आएगी। सिक्स में तो कोई लिखवाया ही नहीं जाता है, सिर्फ दे दिया जाता है कि आपको करना है। तो अगर आप ऐसे ही एक दो लेटर्स को ही याद करने की हैबिट में रहेंगे तो फिर आगे बड़ी क्लास में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो अभी आप पत्र करिए, तीन औपचारिक तीन अनौपचारिक, छह पत्र तो आपको लर्न करना ही है, छह में से ही कोई दो आएंगे। तो आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पत्र में हो गया। और